नमस्ते, हूँ आदर्श हूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 36, कंपोजिशन 5। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 35, कंपोजिशन पार्ट 4, राइट? हमने वहां पे माय हॉलीडेज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानी थी और बहुत ही एंजॉय भी किया था, राइट? द ट्रिप ऑफ श्रीनगर, यस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग सम मोर प्रैक्टिस इन द पैराग्राफ राइटिंग। हियर कंपोजिशन में हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, ओके? सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो हमारे लाइफ में हमारी कोई ना कोई चीज बहुत ही फेवरेट होती है, जैसे कि फेवरेट कलर, फेवरेट फ्रूट, फेवरेट डिश, फेवरेट क्लोथ्स, यस, किसी को क्लोथ्स भी कोई फेवरेट होंगे, फेवरेट प्लेस, एंड देन फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टीचर, यस। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे ही आपके पास बहुत सारे टॉयज होंगे, है ना टॉयज, यस। तो इतने सारे टॉयज में ऐसा कोई तो टॉय होगा जो आपका फेवरेट होगा, है ना? आई नो दैट होता ही है, सबका कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट टॉयज, इतने सारे टॉयज होते हैं, लेकिन उसमें एक टॉय तो इतना फेवरेट होता है जो हमें बहुत पसंद है, किसी को देना नहीं चाहते हैं, फिर हम उसको साथ में लेके जाते हैं, ज्यादातर टाइम उसी टॉय के साथ स्पेंड करते हैं, राइट? जैसे कि मैं छोटी थी, मेरी सीक्रेट बात बता रही हूँ, किसी को बताना मत, मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे। लुक एट हियर, ये है मेरा पिग्गी बैंक जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे मैं ये है मेरा टॉय हाउस, इसके साथ मैं बहुत खेलती थी, राइट? फिर मेरे पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी है, गिटार, ये सब मैं जब छोटी थी उसके टॉयज हैं, इसलिए थोड़े पुराने तो हो गए हैं, कोई हंसना मत। इसमें मैं बैटरी डालती थी और फिर मैं बहुत ही म्यूजिक प्ले करती थी और बहुत एंजॉय करती थी, राइट? फिर मेरे पास ये बैटरी वाला हैंड भी है, लुक एट दिस, यस, ये भी मुझे बहुत पसंद था जब मैं छोटी थी, अभी तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हाँ, तो वैसे आपके पास भी बहुत सारे ऐसे टॉयज होंगे, लुक एट दिस, दिस इज माय अच्छा वाला हेलीकॉप्टर है, राइट? मैं इसके साथ भी बहुत खेलती थी, राइट? ओके, तो एक और एक टॉय आपको दिखाना चाहूंगी, हॉर्स। मुझे हॉर्स बहुत पसंद है, एनिमल्स में, इसलिए मुझे हॉर्स के टॉयज बहुत पसंद है, तो मैं कहीं पे भी जाती थी तो हॉर्स ले लेती थी। थोड़ा पुराना हो गया लेकिन ये मेरे चाइल्डहुड का है ना, इसलिए। फिर ज्यादातर मुझे टेडी बियर्स बहुत पसंद है, पता है? लुक एट दिस, टेडी बियर्स का एक अलग ही होता है, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा, किसी को डॉल पसंद होगी, किसी को कार पसंद होगा, किसी को टेडी बियर पसंद होगा, राइट? तो ऐसे फेवरेट थिंग्स होती है, लेकिन इतने सारे मेरे पास टॉय है, आई हैव सो मेनी टॉयज, बट द फेवरेट वन, डू यू वॉन्ट टू सी माई फेवरेट टॉय? यस, ओके, लेट मी शो यू। लेकिन रुको रुको रुको, फर्स्ट थिंग, टुडेज अवर टॉपिक इज माई फेवरेट टॉय, लुक एट दिस, माई फेवरेट टॉय। सो प्रॉमिस करो मैं मेरा पहले फेवरेट टॉय दिखाती हूँ, बाद में आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, पक्का? ओके, वेट फॉर मिनट, दिस इज माई फेवरेट टॉय, यस, दिस इज माई टेडी। अच्छा लगा? यस, ये मुझे बहुत पसंद है, दिस इज माई फेवरेट वन, इतने सारे टॉयज है लेकिन मुझे तो ये वाला मेरा टेडी बहुत पसंद है, उसका मैंने नेम भी रखा है, पता है? लुक हियर, इसका नेम, हाय बोलो टेडी, इसका नेम है जुम्बो, यस, जुम्बो बॉय। अच्छा लगा? मैं आपको दूंगी हाँ खेलने के लिए, अब आपकी बारी है, आपको आपका फेवरेट टॉय दिखाना है। चलो इसको साइड में रख देते हैं, ये आज हमारे साथ क्लास में रहेगा, ओके? चलो नेक्स्ट थिंग, अभी आपको माय फेवरेट टॉय के बारे में लिखना है, आर यू एक्साइटेड? ओके,
I'll give you some questions, you have to solve it and then you can take the help of books. And then you have to write paragraph. यहाँ पे मुझे सिर्फ 8 या 10 lines लिखनी है, लेकिन मैं कितनी सारी लिख दी, because it is my favorite topic, you know. मेरे teddy के बारे में तो मैं बहुत लिख सकती हूँ. Same आप भी लिख सकते हो, right? So first of all, the heading is write 8-10 sentences about your favorite toy. So here are some questions. Let's see it, and then we have to practice on composition. 5. My favorite toy. What is your favorite toy? Describe it. Yes, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा favorite toy है teddy bear है. तो मैं मेरे teddy bear के बारे में मैं describe करूँगी. Same as it is, you have to also describe your favorite toy. Okay? चलो. अभी ये थक जाएगा, इसको साइड में बिठा देते हैं, बाद में आना. ठीक है भाई? ओके भाई. When do you play with it? आप कौन से टाइम पे खेलते हो? After school, right? रात को, नाइट को, सोने के टाइम, इवनिंग को. Yes, तो आपको यहाँ पे आपका टाइम डिस्क्राइब करना है कि कौन से टाइम पे आप खेलते हो. Do you take it with your wherever? आप जहां पे जाते हो वहां पे आप उसको लेके जाते हो? लेके जाते हो. Do you share it with your friends and brother and sister? क्या आप कभी अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपके टॉय को शेयर करते हो? ओके, तो यहाँ पे ये सब थिंग्स आपको लिखनी है. यू हैव टू राइट. Who gave you the toy? आपको ये जो फेवरेट वाला टॉय है, ऑफ कोर्स आपने भाई को नहीं किया होगा, क्योंकि हम छोटे हैं. मीन्स कि आप छोटे हो, मैं जब छोटी थी तब की बात कर रही हूँ. तो किसी ना किसी ने दिया होगा, बर्थडे गिफ्ट पे दिया होगा, राइट? या फिर पेरेंट्स लेके आए होंगे, या फिर फ्रेंड्स, राइट? तो ऐसे ऐसे किसी ना किसी ने दिया. किसने दिया है आपको, ये आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, गुड. सो नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग द पैराग्राफ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बॉक्स. वहां पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं. बिग शेयर टॉय डॉल एट ट्रंक कार ट्रक है बॉल. बहुत सारी थिंग्स ऐसी होती है जो जिसकी कोई भी फेवरेट होगी, राइट? ओके, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो. फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो. स्मॉल है, बिग है, लाइक एंजॉय इमेजिन. उसके साथ अपने फोटोज क्लिक की होगी. बैट फन टॉय कार होगी शायद. फिर ब्लॉक्स होंगे. यस, ब्लॉक्स के साथ भी किसी को खेलना बहुत पसंद है. स्किपिंग रोप है, किचन सेट है. यस, गर्ल्स का फेवरेट होता है ज्यादातर किचन सेट, है ना? एंड देन प्ले रिलैक्सिंग डॉक्टर सेट. बॉयज का फेवरेट डॉक्टर बनना होता है. डॉक्टर सेट के लिए डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहते हैं. यस, एंड देन Everyone, laughter and soft toys. Yes, किसी को soft toys पसंद होंगे. तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे words हैं जिसको आप help के तौर पे ले सकते हो, right? Okay. So now it's time for reading our paragraph. Are you ready? Okay. मैं reading करते जाऊंगी, आपको देखते जाना है और फिर आपको write करना है आपकी grammar की book में 91 page number पे good handwriting के साथ आपको write करना है, okay? So now let's start our paragraph. My favorite toy. Yes, I have many toys. Yes, I show you, right? मैंने अभी आपको दिखाया ना, बहुत सारे toys दिखाया. Okay, now next. Some of them are gifts from my friends. ऐसे बहुत सारे toys हैं जो मेरे friends ने मुझे gift दिए हैं. क्योंकि ये क्या होता है, बर्थडे पार्टी होती है तो आपके फ्रेंड्स आते होंगे, तो आपके लिए कुछ ना कुछ लेते आएंगे. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टॉयज हो जाते हैं, राइट? द अदर वेयर गिवन टू मी बाय माय पेरेंट्स. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, राइट, कि बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं जो फ्रेंड्स ने दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी टॉयज हैं जो मेरे फैमिली मेंबर्स ने दिए हैं. इट मीन्स माय पेरेंट्स ने दिए हैं, राइट? आई प्ले विद ऑल माय टॉयज. मैं सारे टॉयज के साथ खेलती हूँ, मुझे सब पसंद है. ऑल आर
मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबके साथ खेलती हूँ, लेकिन बिकॉज आई लाइक देम, मैं उन सारे टॉयज को बहुत पसंद करती हूँ, बट माय फेवरेट टॉय इज माय टेडी बियर, मेरा टेडी बियर जो मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा, जिसे मैं बहुत लव करती हूँ। ओके, माय ग्रैंडमदर गेव इट टू मी ऑन माय फिफ्थ बर्थडे, मैं जब 5 साल की थी, फिफ्थ बर्थडे, मेरा फिफ्थ वाला बर्थडे था, तब मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे मेरा टेडी मुझे गिफ्ट दिया था, तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत, यस। ओके, माय ग्रैंडमदर गेव इट टू मी ऑन माय फिफ्थ बर्थडे, आई कॉल्ड माय टेडी जंबो, मैंने उसका नेम रखा है जंबो, मैं इसको जंबो ही कहकर बुलाती हूँ। आप भी आपके फेवरेट टॉय को किसी ना किसी नाम से बुलाते होंगे, राइट? ओके, जंबो इज ब्राउन इन कलर, लुक एट द कलर। अभी मैं जंबो को डिस्क्राइब कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, व्हाट इज योर फेवरेट टॉय, डिस्क्राइब इट, अभी आपको डिस्क्राइब करना है जंबो को, वैसे ही आप अपने फेवरेट टॉय को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट? ओके, बट माय फेवरेट टॉय इज टेडी, माय ग्रैंडमदर गेव इट टू मी ऑन माय फिफ्थ बर्थडे, आई कॉल्ड माय टेडी जंबो, जंबो इज ब्राउन इन कलर, ही लुक्स अ लिटिल ओल्ड नाउ, अभी वो थोड़ा पुराना दिख रहा है, क्योंकि मैं फिफ्थ ईयर, मेरा फिफ्थ बर्थडे है तब का है, राइट? इट मींस इट इज टू ओल्ड, ओल्ड बिकॉज आई कीप देम हिम विद मी ऑल द टाइम्स, मैं जब से फिफ्थ मेरा बर्थडे ना, तब से मैं इस मेरे ब्रूनो को, सॉरी जंबो को साथ में ही रखती हूँ, साथ ही रखती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं एवरी टाइम उसको साथ रखती हूँ, राइट? ओके, आई कीप हिम विद मी ऑल द टाइम, आई ट्राई टू टेक हिम टू स्कूल, बट मम्मी सेड माय टीचर विल टेक हिम अवे, मैंने जब छोटी थी ना, तब मैंने बहुत ट्राई किया था जंबो को साथ लेके जाने के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, मम्मी ने मना कर दिया कि आप लेके जाओगे तो शायद आपके टीचर ले लेंगे आपके जंबो को, फिर क्या होगा, बट माय मम्मी सेड माय टीचर विल टेक हिम अवे, आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज माय जंबो, मैं मेरे जंबो को लूज नहीं करना चाहता था, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, सो आई कीप हिम ऑन माय बेड बिफोर लीविंग फ्रॉम स्कूल, फिर मैं जब भी स्कूल जाती थी ना, तब मैं उसको मेरे बेड पे रख के जाती थी, आई लव जंबो वेरी मच बिकॉज ही इज सो सॉफ्ट एंड कैंडी, आई विल नेवर गिव हिम टू एनीवन, मुझे वो बहुत पसंद है, आई लव इट बिकॉज मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, आई लव इट, आई लाइक जंबो वेरी मच बिकॉज ही इज सॉफ्ट, देखो बहुत ही सॉफ्ट है ना, यस, एंड ही इज कैंडी, बहुत ही अच्छा है, आई विल नेवर गिव हिम टू एनीवन, मैं किसी को भी कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉय है, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी वी हैड राइट हियर माय फेवरेट टॉय पैराग्राफ कंपोजिशन 5, सो वी हैड कंप्लीटेड राइटिंग पार्ट हियर, यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ कंपोजिशन 5 इन योर ग्रामर विद गुड हैंडराइटिंग, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इट इन योर ग्रामर, एंड देन द नेक्स्ट थिंग, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, so we will continue the next video on the next part. Thank you for joining us.